दोस्तों, आपने यूं तो हिंदी वेब सीरीज बहुत तरह की देखी होंगी, लेकिन आज के इस काउंटडाउन में हम बात करेंगे कुछ ऐसे हिंदी वेब सीरीज के बारे में जिनकी स्टोरी सच में बहुत ही ज्यादा शॉकिंग से भरी हुई है। यानी कि इन सीरीज में आप अच्छा खासा थ्रिल के साथ कुछ ऐसी भी चीजें देखने वाले होंगे जिन्हें देखने के बाद हो सकता है कि आप शॉक में भी आ जाएं। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कि कौन कौन से ऐसे इंटरेस्टिंग हिंदी वेब सीरीज है आज के हमारे इस काउंटडाउन में जिनकी स्टोरी सच में बहुत ही ज्यादा शॉकिंग है। नंबर 7 पर है धोता। दोस्तों, अगर आपकी भूतों से फटती है तो इस सीरीज को पहले ही स्किप कर दें, क्योंकि इसकी कहानी बड़ी ही इंटरेस्टिंग तरीके से और हॉरर एक्टिविटी से भरी पड़ी हुई है। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे करप्ट जर्नलिस्ट से जो कि सच में अपने लाइफ में बहुत सारे करप्शन करता है, लेकिन एक दिन अचानक से ही उसे एक छोटा सा कागज का टुकड़ा मिलता है जिसमें कुछ लिखा हुआ रहता है, और उस कागज के टुकड़े में जो चीज लिखी हुई रहती है वही उसके आंखों के सामने सच में हो रही होती है। लेकिन असल में इस कागज में जो भी लिखा हुआ रहता है वो किस तरह सच में हो रहा होता है, इसी मिस्ट्री को कंप्लीट सीरीज में रिवील करने की कोशिश की गई है। इसकी स्टोरी दोस्तों बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है, इवन इसकी स्टोरी आपका सच में दिमाग हिलाकर रख देने वाली होगी। इस सीरीज की एंडिंग आपको सच में बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग लगने वाली होगी, और ये सीरीज एटलीस्ट आपको किसी भी जगह पर बोर नहीं करने वाली होगी। और जिन्हें भी हॉरर और थ्रिलर सीरीज देखना बहुत ही ज्यादा पसंद है उनके लिए ये सीरीज एकदम ही मास्टरपीस है। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 7.7। इसे Amazon Prime Video पर की गई है। नंबर 6 पर है काला पानी। दोस्तों, कोरोना के नाम से ही हमारी पूरी तरह से फट जाती है, और इसी तरह की डेडलीस्ट वायरस इस सीरीज में भी आप देखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करने जा रहा हूँ काला पानी वेब सीरीज के बारे में। काला पानी वेब सीरीज जिसमें आप देखने वाले होते हैं कि एक वायरस जिसकी वजह से अंडमान में बहुत सारी जानें जा रही होती हैं, लेकिन असल में ये वायरस कहां से आता है और इस वायरस का असल में क्या तोड़ है, ये सारी की सारी चीजें जानने के लिए आपको इस सीरीज को एक बार जरूर देखना चाहिए। सीरीज की फर्स्ट एपिसोड से लेकर सीरीज के लास्ट एपिसोड तक आप अच्छा खासा थ्रिल एंजॉय करने वाले होंगे। सीरीज की एक भी एपिसोड आपको फालतू नहीं लगने वाली होगी, क्योंकि इसके हर एक एपिसोड में कुछ ऐसी चीजें दिखाई जाएंगी जिसे देखने के बाद आप अपनी आंखों पर भी विश्वास नहीं करने वाले होंगे। इसके हर एक एपिसोड में आप अच्छा खासा थ्रिल एंजॉय करने वाले होंगे। सीरीज की स्टोरी भी बड़े ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर बनाई गई है। बहुत सारे कैरेक्टर्स को इस सीरीज में भले ही दिखाई गई है, लेकिन वो सभी एक जगह पर किस तरह कनेक्ट होते हैं ये भी इस सीरीज में बखूबी दिखाई गई है। सीरीज की स्टोरी में मास्टरपीस है। इसके IMDb रेटिंग है 10 में 8। सीरीज नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। नंबर 5 पर है चार्ली चोपड़ा। दोस्तों, अगर आपने शर्लॉक होम्स मूवी देख रखी है तो ये हमारी इंडियन शर्लॉक होम्स है चार्ली चोपड़ा, जो कि एक खतरनाक मर्डर केस को सॉल्व करना चाहती है, और लास्ट तक इस मर्डर केस को किस तरह सॉल्व की जाती है ये तो आपको इस सीरीज को देखने के बाद ही पता चलने वाली है। सीरीज की स्टोरी एक्चुअल में आपको द नाइट मूवी से मिलती जुलती लग सकती है, लेकिन यकीन मानिए इसकी एंडिंग बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। इवन इसकी प्रेजेंटेशन भी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से की गई है। सीरीज की स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आप सच में बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज रहने वाले होंगे कि असल में कातिल कौन है, और जैसे ही आप कातिल के बारे में जान लेंगे हो सकता है कि आपको सदमा भी लग जाए। सीरीज की स्टोरी आपको एटलीस्ट किसी भी जगह पर बोर नहीं करने वाली होगी, और ये सीरीज स्पेशली उन्हें बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी जो कि मिस्ट्री और थ्रिलर सीरीज देखना बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 6.7। इसे सोनी लिप पर अवेलेबल की गई है। नंबर 4 पर है काला। दोस्तों, आपने करप्शन के ऊपर ना जाने कितनी सारी मूवीज और सीरीज पहले से ही देख रखी होगी। ये भी एक्चुअल में एक करप्शन को लेकर ही बनाई गई है। कहानी की शुरुआत होती है कुछ ऐसे जाबाज पुलिस ऑफिसर से जो कि एम्बुलेंस में ले जा रहे कुछ पैसों को वो जब्त कर लेते हैं, लेकिन उस पैसे का अमाउंट बहुत ही ज्यादा रहता है। सीरीज में दिखाने की कोशिश ये की गई है कि असल में ये पैसा कहां जा रहा होता है और असल में ये पैसा किसका है। सीरीज में आप अच्छा खासा थ्रिल एंजॉय करने वाले होंगे। सीरीज की सबसे खास बात यह है दोस्तों कि यह पूरी की पूरी सीरीज एक्चुअल में एक सच्ची घटना पर आधारित है। सीरीज के हर एक एपिसोड में आप अच्छा खासा थ्रिल एंजॉय करने वाले होंगे। इवन यह कंप्लीट सीरीज आपको किसी भी जगह पर बोर नहीं करने वाली होगी। सीरीज में आप कुछ ऐसे पहलू को जानने वाले होंगे जिसके बारे में शायद आप कल्पना भी नहीं कर सकते होंगे। सीरीज में आप इंडिया और बांग्लादेश में किस तरह लोगों को माइग्रेट किया जाता है ये भी इस सीरीज में बखूबी दिखाई गई है। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 6.7। सीरीज डिज्नी हॉटस्टार पर रिलीज की गई है। नंबर 3 पर है कोहरा। दोस्तों, ये कोहरा कोई आम कोहरा नहीं है, क्योंकि इस कोहरे में बहुत सारे क्राइम्स किए जा रहे होते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये सीरीज आपको ले जाती है पंजाब, जहाँ पर दो बच्चे जंगल में मंगल कर रहे होते हैं, लेकिन अचानक से ही उनकी नजर एक डेड बॉडी पर जाती है, और यहीं से कहानी की शुरुआत होती है। पंजाब पुलिस किसी भी तरह से इस डेड बॉडी की मिस्ट्री को सॉल्व करना चाहती है, लेकिन असल में पंजाब पुलिस इस केस को सॉल्व करने में कामयाब हो पाती है या फिर नहीं हो पाती है ये तो आपको इस सीरीज को देखने के बाद ही पता चलने वाली है। सीरीज में
में आप अच्छा खासा मिस्ट्री एंजॉय करने वाले होंगे। सीरीज की स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आप सच में कंफ्यूज रहने वाले होंगे कि असल में इस डेड बॉडी के पीछे क्या मिस्ट्री छिपी हुई है और इसका कातिल कौन है। सीरीज की एंड एपिसोड आपको सच में बहुत ही ज्यादा सरप्राइज भी कर सकती है। सीरीज में बहुत सारे पहलू दिखाए गए हैं और वो सभी पहलू आपको सच में बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाले होंगे। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 7.5। सीरीज नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। नंबर 2 पर है अरण्या। दोस्तों पहाड़ और जंगल हमें बहुत ही ज्यादा पसंद आते हैं। यहाँ पर जाते ही दिल सच में रोमांटिक हो जाता है। लेकिन अचानक से ही आप सोच लीजिए कि आप एक जंगल में घूमने गए हैं और ऊपर देखते ही आपको एक बॉडी लटकती हुई नजर आए, तब आपके दिलों और दिमाग पर क्या चीज दौड़ रही होगी, आपकी वहीं पर पूरी तरह से फट जाएगी। तो दोस्तों यही चीज इस सीरीज में भी आप देखने वाले होंगे। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे जंगल से जहां पर एक टीनेजर की डेड बॉडी टंगी हुई पाई जाती है एक पेड़ से, और कहानी की शुरुआत यहीं से होती है। पुलिस किसी भी तरह से इस टीनेजर की डेड बॉडी की मिस्ट्री को सॉल्व करना चाहती है और लास्ट तक इस केस को किस तरह सॉल्व की जाती है ये तो आपको इस सीरीज को देखने के बाद ही पता चलने वाली है। लेकिन दोस्तों ये सीरीज इंटरेस्टिंग तब बन जाती है जब इस सीरीज में एक भूतिया कैटेगरी को भी डाला जाता है, यानी कि इस सीरीज में एक ऐसा भी पहलू है जो कि आपको सच में बहुत ही ज्यादा डरा भी सकता है। सीरीज की प्रेजेंटेशन सच में वाव है। सीरीज में थ्रिल और मिस्ट्री दोनों ही चीजें आप एक साथ एंजॉय करने वाले होंगे। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 7.8। सीरीज नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। नंबर 1 पर है पाताल लोक। दोस्तों इस सीरीज की कॉन्सेप्ट एक्चुअल में बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे क्रिमिनल से जो कि एक वरिष्ठ पत्रकार को मारना चाहता है, लेकिन असल में वो वरिष्ठ पत्रकार को क्यों मारना चाहता है ये तो आप इस सीरीज को देखने के बाद ही जाने तो ठीक है। दूसरी तरफ हम देख रहे होते हैं एक सीरियल किलर जो कि शहर में बहुत सारे मर्डर्स कर रहा होता है, लेकिन असल में ये सीरियल किलर कौन है ये भी अच्छा खासा मिस्ट्री क्रिएट करती है इस पूरे वेब सीरीज में। सीरीज की स्टोरी अमेजिंग है। सीरीज के हर एक एपिसोड आपको सच में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली होगी और इस सीरीज के एक भी एपिसोड को आप स्किप करने की गलती तो बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि हर एक एपिसोड में आप अच्छा खासा थ्रिल एंजॉय करने वाले होंगे। सीरीज की सीजन 2 बहुत जल्द रिलीज की जा रही है 2024 में, लेकिन फिलहाल अभी तक इसकी रिलीज डेट दी नहीं गई है। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 8.1। इसे चाहे तो आप देख सकते हैं Amazon Prime Video पर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज का ये काउंटडाउन आपको पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।